हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे चैनल ईट एंड ट्रैवल गाइड में। आज हम लोग फतेहपुर सीकरी में हैं। आज मैं फतेहपुर सीकरी में हूँ और फतेहपुर सीकरी को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जहाँ पे पैलेसेस बने हैं और दूसरा जो है रिलीजियस पार्ट है, जहाँ पे आप ये एक मस्जिद देख सकते हैं, शाही मस्जिद है। उसको अकबर बादशाह ने बनाया था लाल पत्थर से। और ये कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, खूबसूरत सी बिल्डिंग है वाइट मार्बल की। ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह है। फतेहपुर सीकरी का जो रिलीजियस पार्ट है उसका ये गेट है जिसको बादशाह गेट बोलते हैं। और ये गेट सामने थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस पे आप देखेंगे। यहाँ पर दो एंट्रेंस पॉइंट हैं, एक आप एंट्री करेंगे दीवाने वाली साइड से, दूसरा आप एंट्री कर सकते हैं जोधाबाई का महल या जोधाबाई के पैलेस के साइड से। आगरा से इसकी डिस्टेंस जो है वो 45 किलोमीटर है। और ये यूनेस्को लिस्टेड मॉन्यूमेंट है। यहाँ पर जो पहला पैलेस देखेंगे वो है जोधाबाई का महल, जोधाबाई का पैलेस, जो यहाँ पर सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो बीच में कोर्टयार्ड है, दोनों साइड में आप सेक्शन देखेंगे। ये जोधाबाई के बेडरूम है, एक समर टाइम में एक विंटर टाइम में। जोधाबाई अकबर की सबसे फेवरेट वाइफ थी और ये जयपुर की प्रिंसेस थी। इधर में जो रूम आप देखेंगे, जोधाबाई का टेम्पल है मंदिर। और जोधाबाई पैलेस के पास में ये दूसरा महल है, अकबर की ये बीवी थी जिसका नाम था मरियम उज़्ज़मानी। ये बताते हैं अकबर की क्रिश्चियन वाइफ थी। और इस महल में हम जाएंगे तो आप देखिएगा, इसमें काफ़ी सारा कलर और गोल्ड पेंटिंग का वर्क है। काफ़ी सारी पेंटिंग वक्त के साथ फेड हो चुकी है। अकबर की टोटल तीन रानियां थीं, जोधाबाई, मरियम उज़्ज़मानी और टर्की सुल्ताना। ये अंदर भी कुछ आप पेंटिंग का वर्क देख सकते हैं। आपने काफ़ी सारे किस्से सुने होंगे अकबर और बीरबल के, तो ये बीरबल का महल है, बीरबल पैलेस। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी नक्काशी है सैंडस्टोन के ऊपर। हर एक रूम के अंदर आप शानदार कार्विंग देख सकते हैं, खूबसूरत वर्कमैनशिप है। तो यहाँ बीरबल रहा करते थे, इनका पहला नाम था महेश दास। और बीरबल ने ही सबसे पहली बार अकबर के नए धर्म दीन-ए-इलाही को अपनाया था। दीन-ए-इलाही के जो मैक्सिमम फॉलोअर्स थे वो थे 95। और अकबर की डेथ के साथ ये रिलीजन, ये धर्म भी ख़त्म हो गया।
ये बीरबल पैलेस है जो आप बाहर से देख रहे हैं। और ये जगह स्टेबल है, अस्तबल, जहाँ पर घोड़ों का बांधा जाता था। ये जो आप देख रहे हैं, ये सब घोड़ों को बांधने के लिए लगे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के रिंग्स बने हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे अब दूसरे पैलेसेस देखेंगे, जिसमें से अकबर की जो मुस्लिम वाइफ थी, टर्की सुल्ताना का महल है, और अकबर की बेडरूम, जिसको बोलते हैं अकबर की ख्वाबगाह। यह है अकबर का बेडरूम, जिसको अकबर की ख्वाबगाह भी बोलते हैं। और ये 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें से कि कुछ हिस्सा इसका टूट चुका है। इसको अंदर से देखते हैं। यह अकबर का बेडरूम है, जिसका कि काफ़ी हिस्सा टूट चुका है, डैमेज हो गया है। मैं आपको इसका जो मेन पार्ट है अंदर का, जहाँ कि अकबर का बेड हुआ करता था, वो दिखाऊंगा। तो बीच में जो आप देख रहे हैं, ये लाल पत्थर का बना है। ये अकबर का बेडरूम है, यहीं पर वो सोया करते थे। बेडरूम के इस हिस्से में जो आप देख रहे हैं, ठंडा पानी भर दिया करते थे। तो गर्मियों के वक्त ये पूरा जो बेडरूम है ठंडा हो जाता था। और ये नीचे वाला हिस्सा है, ये जो समर टाइम का बेडरूम है, इसके ऊपर एक मंजिल और एक फ्लोर और है, जो कि विंटर टाइम का बेडरूम है। और बेड के पास में ही एक सेक्शन है, छोटा दरवाज़ा है, जो कि बंद कर दिया गया है। उस ज़माने में जो रानियों के महल हुआ करते थे, उनसे कनेक्टेड था, तो रानी यहीं से इसी दरवाजे से आया करती थी। ये ऊपर एक प्लेटफॉर्म है बादशाह अकबर के बैठने के लिए, जहाँ से कि वो अपने फेमस म्यूजिशियन तानसेन के म्यूजिक सुना करते थे। बीच में प्लेटफॉर्म है तानसेन के लिए, यहीं पे बैठा करते थे वो। उस जगह को बोलते हैं चार चमन। यहाँ से आप अकबर का बेडरूम और चार चमन दोनों जगह एक साथ देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे टर्की सुल्ताना का पैलेस, जो फतेहपुर सीकरी फोर्ट में सबसे छोटा पैलेस है। यहाँ पर सबसे छोटी बिल्डिंग है ये, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल वर्कमैनशिप है यहाँ पर। जहाँ भी आप देखेंगे, इसके कॉलम्स पे, इसकी सीलिंग पे, दीवारों पर, चारों तरफ कार्विंग की गई है सैंडस्टोन से। इसमें जो कार्विंग है, वो बंच ऑफ ग्रेप्स है, ज़िगज़ैग डिज़ाइन है, अनार की भी कार्विंग की गई है यहाँ पर। दूसरे फ्लोरल डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है यहाँ। इसको आप अंदर से भी देख सकते हैं, सबसे छोटा पैलेस है फतेहपुर सीकरी में ये। यहाँ आप स्वास्तिक देख सकते हैं, नीचे कलश ही बना है, जो कि सर्दियों से सिंबल है। सामने एक 5-स्टोरी बिल्डिंग है, जिसको बोलते हैं पंचमहल। अभी आप ये 2 मंजिला बिल्डिंग देखेंगे, जो बाहर से है डबल स्टोरी लगती है आपको, लेकिन अंदर से देखेंगे तो सिंगल स्टोरी 1 मंजिल की है। इसको बोलते हैं दीवाने खास, जहाँ पे राजा की खास मीटिंग हुआ करती थी मिनिस्टर के साथ में। तो अंदर से 1 ही मंजिल की बिल्डिंग है ये। इसके बीच में कॉलम है, कॉलम के सेंटर में, मिडिल में राजा बैठते थे, और चारों साइड में जिसके साथ देख रहे हैं, वो सब मिनिस्टर्स के बैठने के लिए बना है। ये पूरा कॉलम 1 पीस में बना है। कहते हैं कि जो भी इसको अगर पूरी तरह से ग्रैप करके अपने हाथों को टच कर सकता है, तो जो भी विश मांगेगा वो स्पीडी हो जाएगी। ये पूरा कॉलम 1 पीस में बना है, नीचे से लेकर ऊपर तक। काफ़ी अच्छी
वर्कमैनशिप है यहाँ पर, सैंडस्टोन का है, लाल पत्थर का। यहाँ से सब ऊपर जाने के रास्ते हैं जो कि भी बंद कर दिए गए हैं। और ये जगह कहलाती है ट्रेजरी। और वो जगह जहाँ मुग़ल अपना ख़जाना रखते थे, उसको हाइड एंड सीक भी बोला जाता है, कहा जाता है मुग़ल बादशाह अकबर यहाँ पे हाइड एंड सीक खेला करते थे अपनी रानियों और मिस्ट्रेसेस के साथ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारे गेट हैं अंदर आने के लिए, जाने के लिए। एक तरीके से ये भूलभुलैया टाइप का है, काइंड ऑफ लेबरिंथ। ये कहा जाता है कि अकबर बादशाह ने यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा महल बनाए थे, जिसमें से काफ़ी कुछ टूट चुके हैं। अभी सिर्फ कुछ ही बिल्डिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजर सीट, यहाँ पर अकबर के जो फैमिली एस्ट्रोलॉजर थे पंडित पुरुषोत्तम दास बैठा करते थे। तो कुछ भी नया काम शुरू करने से पहले अकबर बादशाह ही आते थे, अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करते थे। इनके बैठने की जगह है बीच में। यह है दीवाने आम, यह आप अंदर से देख रहे हैं। इसमें एक दरवाज़ा जो भी बंद है, यहाँ से अकबर राजा एंट्री करते थे, बाहर जाते थे पब्लिक की फरियाद सुनने के लिए। इसी तरफ दूसरी बालकनी जो आपको उसी साइड से दिखाऊंगा। यहाँ से आप टर्की सुल्ताना के महल का व्यू, पंचमहल, एस्ट्रोलॉजर सीट और दीवाने खास देख सकते हैं। ये है दीवाने आम जो आप अंदर से देख रहे हैं। ये दीवाने आम है जो आप दूसरी साइड से देख रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था एक दरवाज़ा जो कि बंद है, तो राजा उसी गेट से एंट्री करते थे, इसी दरवाजे से यहाँ आते थे, बैठते थे पब्लिक की फरियाद सुनने के लिए इस बालकनी के अंदर। वो पूरा जो आप जो ग्राउंड देखेंगे, ये सब यहाँ पर पब्लिक बैठती थी, फरियादी लोग।